नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 48 साल बाद उर्दू के प्रसिद्ध शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र को उनकी पीएचडी की उपाधि जारी की है। पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र की सेहत इस समय ठीक नहीं है। उनकी याददाश्त इतनी कमजोर पड़ गई है कि उन्हें अपनी गजल भी याद नहीं रहती, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जब उन्हें डाक से 48 साल बाद पीएचडी की डिग्री भेजी तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। डॉक्टर बशीर बद्र ने डिग्री को सीने से लगा लिया और पुरानी यादों में खो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी 85 साल के पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र ने सन 1973 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। एएमयू से ही उन्होंने सन 1969 में एमए किया था। उन्हें साहित्य अकादमी और पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के सहायक मेंबर इंचार्ज राहत अबरार ने बताया कि डॉक्टर बशीर की पत्नी ने यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। स्पीड पोस्ट से उन्हें पिछले दिनों पीएचडी डिग्री भेजी गई, जिसे पाकर डॉक्टर बशीर बद्र बड़े उत्साहित हुए। एएमयू में पढ़ाई करने के बाद वो मेरठ विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग में प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। डॉक्टर बशीर बद्र की पत्नी ने डिग्री के साथ उनकी तस्वीर विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजी। इस तस्वीर में डॉक्टर बशीर बद्र डिग्री को अपने सीने से लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 1973 में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर बशीर बद्र शायरी की दुनिया में इतने मशगूल हो गए कि पीएचडी डिग्री की उपाधि नहीं ले पाए। हालांकि कई बार शायरी के दौरान अलीगढ़ और विश्वविद्यालय आना हुआ, लेकिन पीएचडी डिग्री की उपाधि का जिक्र नहीं किया। डॉक्टर, यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री दी गई है बशीर बद्र को? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मायनाज फर्जंद डॉक्टर बशीर बद्र साहब, जो उर्दू के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, शायर हैं, उनको हुकूमत ने पद्मश्री के अवार्ड से भी नवाजा है, साहित्य अकेडमी के अवार्ड से भी नवाजा है। इन दिनों भोपाल में सख्त अलीग है और वो अपनी याददाश्त भी भूल बैठे हैं, खो बैठे हैं। तो उनके बेगम की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से उनकी डिग्री जो है वो मिल जाए, तो उसके लिए उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया और हमने तमाम डिटेल हासिल करने के बाद उनकी डिग्री जो है वो 1973 से मैं उन्होंने पीएचडी की थी, तो वो डिग्री हासिल हो गई और उनको फिर कुरियर कर दिया गया। उस पर उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया और यूनिवर्सिटी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया और किसी भी उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से 1969 में एमए उर्दू में भी पद्मभूषण पद्मभूषण हासिल की थी और अब क्योंकि वो याददाश्त खो बैठे हैं, तो उनके घर वाले ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी पुरानी यादें जो हैं दोबारा लौट आए। और उनका एक शेर भी है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। तो अब हम समझते ये हैं कि कम से कम इस बहाने उनको डिग्री भेजी तो उस पर खुशी का इजहार किया उनके घर वालों ने और सब लोगों ने। और ख़ुद बशीर बद्र साहब का जो फ़ोटो भेजा गया है वो अपने सीने से उस डिग्री को लगाए हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात थी और हम लोगों के लिए भी सादत की बात है कि हमने एक बड़े शायर और अपने एक सादत तालिबे इल्म की वो डिग्री उन तक पहुँचाने में कामयाब किया।